हेलो इंटरनेट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगी, वो है एटलांटिक इंटरमीडिएट स्केल प्रोग्राम। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है एटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम। ये क्या है? बेसिकली कनाडा की गवर्नमेंट ने एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके ज़रिए आप कनाडा आ सकते हैं। और उसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ कि आप कैसे आ सकते हैं आसान शराइत पर कनाडा। तो उस प्रोग्राम के अंदर जो है मज़ीद तीन कैटेगरीज हैं, ठीक है। जो सबसे आसान कैटेगरी है जिसके बारे में मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, वो है एटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक के ऊपर इन पर्टिकुलर आपको स्क्रीन पर दिखाऊँ कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है, आप इसको कैसे पढ़ें और ख़ुद से अप्लाई करें बगैर किसी कंसल्टेंट के यूज़ किए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि एटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम की क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि आप इसके लिए अप्लाई करें तो आपके पास क्या क्या मौजूद है और क्या नहीं है। तो अप्लाई करने से पहले आप अपना थोड़ा होमवर्क कर सकें। इन जनरल यू मस्ट हैव job in a job work in a job that requires a higher school education or a job specific training for at least a year, ठीक है। एक ऐसी जॉब कर रहे हो आप जिसके लिए एटलीस्ट 12वीं जमात आपने की हो, या ऐसी जगह पर ट्रेनिंग आपने एक साल के लिए की हो जहाँ पर 12वीं जमात की एजुकेशन आपने ली हो। हैव एटलीस्ट ए कनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट एजुकेशन। हाई स्कूल डिप्लोमा जो है हमारे कनाडा का जो है पाकिस्तान की 12वीं जमात बनता है। टेक अ लैंग्वेज टेस्ट टू शो दैट यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच। एक आईलेट्स का टेस्ट देना होगा, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, आईलेट्स स्कोर बहुत कम चाहिए होता है लेकिन टेस्ट देना होता है। शो यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली वैन यू कम टू कैनेडा। फाइनेंशियल्स फाइनेंसिस आपको सपोर्ट जो दिखानी होंगी, लेकिन ये फाइनेंसिस भी बहुत कम है, जो कि मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में बताऊँगी। द एम्प्लॉयर मस्ट ऑल्सो मीट सर्टन रिक्वायरमेंट। जो एम्प्लॉयर जो कि इस कैटेगरी के में जो है आप कैनेडा आने से पहले आपकी जॉब हुई होगी, लेकिन जिस और इस मकसद के लिए गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने कुछ एम्प्लॉयर्स को जो है डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स किया है, मतलब उसमें लिस्ट में शामिल किया है। तो जाहिर है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हीं डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स के ने आपको जॉब ऑफर की हो, और वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, कैसे आप डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स को आप जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ज़ाहिर है जो जॉब्स उन्होंने पब्लिश की होंगी, और उसके बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी एंड यू कैन गो एंड चेक दैट आउट देयर। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कि ये आप देख लेंगे भाई जनरल ये चीज़ें चाहिए होंगी इस प्रोग्राम के लिए। अब आते हैं इस पेज पे, जिसका लिंक अगेन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, जो कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल अब बताएगा। एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंदर जो एक और प्रोग्राम है, वो उसका नाम जिसके लिए हम ये सारा कर रहे हैं प्रोसेस, एटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम है, ठीक है। और सबसे पहले अप्लाई करने से पहले, बिफोर यू अप्लाई को अगर आप क्लिक करें तो ये हमें इस पेज पर ले आएगा। बेसिकली ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ ताकि ये एक तरह से आपको रिसर्च और अंडरस्टैंड करने का तरीका भी बताएगा कि आपने किस तरह हर चीज़ को ख़ुद से एक एक करके देखना है। द अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम कैनेडा इनकरेजेज एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंट फ्राम पीपल विद एबिलिटीज, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैनेडियन इकानमी। The Atlantic Immigration Pilot allows Canadian Atlantic provincial governments to choose immigrants according to the economic needs of the province. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है इस प्रोग्राम के बारे में। Who may use this application? You may apply through Atlantic Immigration Pilot if you meet the eligibility requirement and plan to settle permanently in one of these Atlantic provinces, जो कि ये हैं New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia and Prince Edward's Island. Provincial endorsement है, फिर eligibility requirement है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में है, यू मस्ट हैव द फॉलोइंग वर्क एक्सपीरियंस विद इन द लास्ट 3 years, यू हैव एक्यूमुलेटेड एटलीस्ट 1 year ऑफ फुल टाइम और पार्ट टाइम इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस इन योर प्राइमरी ऑक्यूपेशन एट स्किल लेवल सी। अब स्किल लेवल सी क्या है? स्किल लेवल सी जो है बेसिकली आपके जॉब कैटेगरी कैनेडा में है, डिफरेंट होती है, जैसे कि हर जिसको नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसके ऊपर भी मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। इसके ऊपर भी आप जाके देखें कि भाई आपने अपनी जॉब कैटेगरी कैसे फाइंड करनी है, स्किल लेवल कैसे फाइंड करना है, ठीक है। वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल।
अच्छा जी, फिर है यू हैव परफॉर्म द एक्टिविटीज इन द लीड स्टेटमेंट ऑफ NOC यानी कि नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन. यू हैव परफॉर्म द सब्सटैंशियल नंबर ऑफ द मेन ड्यूटीज ऑफ NOC इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द एसेंशियल ड्यूटीज, यानी कि जो जॉब की सारी रिक्वायरमेंट्स है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है. वर्क एक्सपीरियंस वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम पेड वर्क वॉलंटियर वर्क यानी कि इंक्लूडेड नहीं. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वॉलंटियर किया था एक घंटे साल के लिए. ये बेसिकली पेड वर्क जो होगा उसके मुतासर होते हुए आप जो है अप्लाई करेंगी. योर वर्क एक्सपीरियंस वॉज रिक्वायर्ड ओवरसीज और इन कैनेडा एज लॉन्ग एज यू वर लीगली ऑथराइज्ड टू वर्क इन कैनेडा एज अ टेम्प्रेरी रेजिडेंट. अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे इस प्रोग्राम के लिए उस तक भी अप्लाई कर सकते हैं जो कैनेडा के अंदर जो है और टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा पर आए हैं, लेकिन वो उस वक्त तक लोग अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से बाहर या कैनेडा से बाहर या कैनेडा के अंदर से जब तक कि वो काम आपने लीगली तरीके से किया हुआ है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी एंड यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर. एनी पीरियड्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड. आपने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की होगी वो इंक्लूड नहीं होता इस कैटेगरी में. वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ स्टडी इज़ अलाउड. अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ जॉब की भी है वो भी अलाउड है जब तक कि आपके आवर्स पूरे होते हैं. डिड नॉट एक्सीड व्हाट दे वर ऑथराइज्ड टू डू. ठीक है, फिर है जॉब ऑफर. यू मस्ट हैव इस प्रोग्राम के अप्लाई करने के लिए आपको खामखा आपके पास एक जॉब ऑफर कैनेडा से होनी चाहिए. अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की. यू मस्ट हैव अ जॉब ऑफर दैट इज़ फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर इन अटलांटिक प्रोविंस. जैसे कि मैंने अभी बताया, फुल टाइम या नॉन सीजनल जॉब भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है, और स्किल टाइप ज़ीरो, स्किल लेवल A, B, C जो नेशनल क्लासिफिकेशन में आप जाकर देख सकते हैं कि स्किल लेवल A क्या है, B क्या है, C है क्या है, और जिसके मैंने मज़ीद दोबारा से मैं बताती हूँ कि जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी क्योंकि मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ. अच्छा, यू मस्ट सबमिट एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद योर एप्लीकेशन. ये ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है अपने एप्लीकेशन के साथ जो है आपने सबमिट करनी है. एम्प्लॉयर मस्ट कम्प्लीट दिस फॉर्म एंड सेंड योर कॉपी टू इंक्लूड विद योर एप्लीकेशन. सो ठीक है, आसान सी बात है. एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं. यू मस्ट हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट और डिग्री दैट इज़ वैलिड एंड इक्वल टू कैनेडियन इक्विवेलेंट. ठीक है, एजुकेशन आपकी जो है अगेन 12वीं जमात हो. इफ़ यू डिड नॉट कंप्लीट योर स्टडीज़ इन कैनेडा, अगर आपने कैनेडा में पढ़ाई नहीं की भी तो आपको अपनी इक्विवेलेंसी के लिए ECA से जो है अपने एजुकेशन को, डिप्लोमा को, डिग्री को जो है इक्विवेलेंसी करनी चाहिए होगी और उसका जो वो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा. द योर ECA रिपोर्ट मस्ट बी लेस देन 5 years ओल्ड ऑन द डे वी रिसीव योर एप्लीकेशन. ये जो रिपोर्ट आपने निकाली होगी ये कम अज़ कम 5 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो. लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है. यू मस्ट हैव अ लेवल 4 इन द कैनेडियन बेंचमार्क CLB यानी कि IELTS में जो है आपका सिर्फ 4 स्कोर चाहिए. जैसे कि मैंने आपको कहा कि IELTS टेस्ट तो आपको देंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये पॉइंट जो है बेसिकली हर किसी को बहुत अट्रैक्ट करेगा कि IELTS से पाकिस्तान में लोग बहुत घबराते हैं देते हुए, कहते हैं कि वी कैंट स्कोर हाई. और तो इस प्रोग्राम के तहत जो कि अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम है, Category 3 है. ठीक है, 3rd one है जिसका नाम जो मैं दोबारा से बता दूँ, अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम. इसके अंदर जो है आपके जो लैंग्वेज है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 4 चाहिए IELTS टेस्ट में, CLB 4 होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मैं थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर दोबारा जो मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दिया आपको दिखाने के लिए एंड अच्छा जी ये हो गया. ठीक है, इसके बाद यू विल नीड टू डू मैंडेटरी लैंग्वेज टेस्टिंग एंड सबमिट योर ओरिजिनल रिजल्ट विद योर एप्लीकेशन. ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर देना है आपने. इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन लैंग्वेज टेस्टिंग योर रिजल्ट मस्ट नॉट बी मोर देन 2 साल पुराने से ज़्यादा लैंग्वेज टेस्ट आपका ना हो. आप ये ना कहें कि मैंने 5 साल पहले दिया था. एप्लीकेंट्स इनसाइड कैनेडा के लिए जो थोड़ा तरीका का डिफरेंट है, लेकिन मैं चूँकि ये वीडियो बना रही हूँ इन पर्टिकुलर फॉर एप्लीकेंट दैट आर आउटसाइड कैनेडा, तो आई एम गोना लीव दिस पार्ट. अच्छा जी, फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, फंड्स नीडेड टू सेटल इन कैनेडा. आपको कितने पैसे चाहिए होंगे सेटल इन कैनेडा के लिए, तो ये पर पर्सन जो है इन्होंने ये दिया हुआ है. आप ये देख लें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसकी. पर पर्सन 3,100 और ये सारे कैनेडियन डॉलर्स में. ठीक है, और ये कह रहे हैं कि वी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दैट यू रिसर्च द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द रीजन
क्योंकि आप कनाडा आने से पहले आपको जॉब ऑफर हो चुकी होगी, तो जाहिर है जहाँ पर आपकी जॉब ऑफर हुई होगी उसी के करीब आप जो है अपने लिए लोकेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप कनाडा आने से पहले, ये इन्होंने तो फंड्स का बोल दिया कि इतने लाएं, लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं कि इट्स रिकमेंडेड कि आप जो है जहाँ पर अपना घर लेना चाह रहे हो अपनी जॉब के करीब, तो वहाँ पर ज़रा रिसर्च करके देख लें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर कितनी है, क्योंकि एरिया वाइज ज़ाहिर है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। इसके अलावा अगर आप $10,000 से ज़्यादा लाते हैं कनाडा, तो वो आपको जो है डिस्क्लोज़ करना होता है, और ये सारी जो है आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ छुपाई ना जाए क्योंकि फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग और उस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है। वर्किंग इन कैनेडा यू मस्ट शो दैट यू मीट द एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन लिस्टेड ऑन योर एप्लीकेशन। दीज में इंक्लूड एजुकेशन, ट्रेनिंग और अदर क्वालिफिकेशन इन NOC डिस्क्रिप्शन। NOC डिस्क्रिप्शन में जो आपने आप क्या जिसके लिए आप अप्लाई करते हो उसके मुताबिक जो है आपकी जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आपको वो काम आना चाहिए। ये कोई मतलब कौन सी इतनी मुश्किल साइंस है। अच्छा जी, रेगुलरिटी और ऑक्यूपेशन के बारे में, 20% ऑफ द पीपल वर्किंग इन कैनेडा वर्क इन जॉब्स दैट आर रेगुलेटेड टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी सेफ्टी ऑफ कैनेडियंस, नर्सेज, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिशियन, टीचर्स। ठीक है, फिर प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल रेगुलेटरी बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल। ये कुछ फिर नॉन रेगुलेटरी ऑक्यूपेशन के बारे में, फिर लेबर मार्केट की इंफॉर्मेशन है, बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट रिक्वायरमेंट होगा, यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स में नीड टू अपेयर इन पर्सन टू हैव फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोग्राफ दे बायोमेट्रिक कलेक्शन सर्विस पॉइंट। ठीक है, ये तो ये आपको पता होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर वन। ये तो बेसिकली हम मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या रिक्वायरमेंट है। अब स्टेप वन है, ठीक है, सबसे पहले ही जो इकट्ठा करना है वो है गैदर रिक्वायरमेंट। इसके ऊपर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, पार्ट टू कर दूँगी इस सीरीज़ का, और वहाँ से फिर हम कनेक्ट करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू वॉचिंग ऑल द वीडियोज़। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय।